राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने जन्माष्टमी के डेकोरेशन के लिए ये पिकॉक्स बनाए हैं, तो इस पिकॉक्स को मैंने कैसे बनाया है इसको हम देखेंगे। मैंने पहले से ही एक इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से रेडी करके रखा है। ये पूरे कपड़े का है और इसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इस टाइप का जो आता है सीक्वेंस वाला फैब्रिक वो वाला लिया है। मैंने इतना सा ही कपड़ा लिया था, 20 रुपीज़ में मैंने बाय किया था ये कपड़ा इतना सा। तो जो अंदर का कॉटन का कपड़ा है इस पर हम पिकॉक की ड्राइंग बना देंगे। पिकॉक की सिर्फ जो बॉडी आती है उसकी ही ड्राइंग बनाएंगे और इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद ये दो लेयर्स है, तो इसको कट करने करने के बाद हम ये जो वाला सीक्वेंस वाला कपड़ा है उस पर भी इस टाइप का हम फिर से कटिंग कर देंगे। बेसिकली हमें दो कपड़े चाहिए, एक सीक्वेंस वाला है और सीक्वेंस वाला क्या है बहुत पतला होता है, पॉलिएस्टर टाइप का होता है, तो इसको अंदर हम मजबूती देने के लिए कॉटन का कपड़ा देंगे अंदर। और अब सीक्वेंस सीक्वेंस वाले को इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में बताया उस तरह से हम रख देंगे और इसको भी हम कटिंग कर देंगे। इसको सामने सामने की साइड से ही रखेंगे और इसके जो दो लेयर थे उसका एक लेयर है उसको अपर साइड रखेंगे और जो दूसरा लेयर था उसको नीचे की साइड रखेंगे। मैं बिना बिना सिलाई मशीन यूज़ किए हुए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हम सुई और धागा ले लेंगे और जितना मैंने मार्क किया है उतनी जगह हम छोड़ देंगे और अब छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे और पूरा जो एजिस है उसको स्टिचेस के हिसाब से हम कवर कर देंगे। बहुत छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं ताकि हम जो अंदर फीलिंग्स डालें वो बाहर ना निकल पाए। अब हम जो कोने वाले पार्ट है उसको हम कट कर देंगे ताकि हम जब मुड़े तो वो इजीली आराम से अंदर से टर्न हो जाएंगे। और जो ये चोंच वाला जो भाग था नोक वाला उसको हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे और अब हम उसको यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के लिए आप कैंची या फिर आपके पास जो भी कुछ ऐसी चीज़ हो उससे आप पलट सकते हो, डिसमिस हो या कैंची हो। अब जो ये गले वाला पार्ट था वो बहुत ही पतला था तो यहाँ पर कुछ और नहीं अंदर जा रहा था, तो मैंने मोटी जो सुई आती है उससे ही इस तरह से कर करके पूरा टर्न कर दिया है। तो ये कुछ हमारी इस टाइप से बॉडी रेडी होकर तैयार हो जाती है। अब मेरे पास मेरी बेटी का एक खिलौना था जिसके अंदर स्टफिंग थी, इस टाइप के जो हमारे वॉशेबल रुई आती है वो, तो उसको मैंने अच्छे से दबा दबा कर भर दिया है। और जो गले का पार्ट है वहाँ पर हमको ज़्यादा दबा के भरना है ताकि वो अच्छे से खड़ा रह पाए और थोड़ा मोटा भी लगे तो उसका शेप ऑटोमेटिकली गोलाई में आ जाएगा। इसको हम डिसमिस के सहारे अच्छे से हम भर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जन्माष्टमी के लिए भी बहुत सारी तैयारियां करके रखी हुई है तो उसका भी मैं वीडियो जरूर अपलोड करूँगी। कई कई बार क्या होता है, वीडियो तो मैं बना लेती हूँ लेकिन इसको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, उसकी वजह से वीडियोज़ थोड़ी लेट हो जाती है। हम सारे फीलिंग्स को अच्छे से भरेंगे अंदर ताकि वो थोड़ा पार्ट जो है वो मोटा मोटा सा लगने लगे। अब नीचे के जो पार्ट है उसको जो हमने छोड़ कर रखा था उसको हम सुई और धागे की हेल्प से छोटे छोटे स्टिचेस लेकर उसको पैक कर देंगे ताकि वो रुई है वो बाहर ना निकले और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग हो जाए। ये बनाना बहुत ही आसान है, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया लेकिन बहुत ही अच्छा बना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं ताकि आपको भी अगर जन्माष्टमी के लिए या हमारे मंदिर के लिए भी, वैसे ठाकुर जी को तो मोर बहुत ही पसंद है तो हम यूं ही मंदिर में भी रख सकते हैं। तो इस स्टाइल से मैंने दो बनाए हैं तो अब इसको हम सजाते हैं मोर पंखों से। मेरे पास बहुत सारे मोर पंख मैंने इकट्ठा करके रख लिए थे तो वो वाले पड़े हुए हैं।
तो इस मोर पंख को हम एक एक से जैसे हमको चाहिए छोटा बड़ा उस स्टाइल से हम उसको कट करके फिर ग्लू गन की हेल्प से इसको हम चिपकाएंगे। ग्लू गन आपको इस्तेमाल करने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी हाथ में लग गया था तो जल गई थी। अब इस तरह से मैंने सारे पंख को अरेंज कर दिया है और ग्लू गन की हेल्प से उसको लगा दिया है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जो हमने वहाँ पर जो लगाए थे पंख वहाँ पर मुझे थोड़ा कम दिख रहा था तो मैं वहाँ पर भी एक लगा रही हूँ एक्स्ट्रा। जितने भी आप ज़्यादा लगाओगे इतना बढ़िया लगेगा, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशन थी मोरपंख को लेकर क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह मोरपंख को इस्तेमाल करना है। अब जहाँ पर हमने मोरपंख लगाया था वहाँ पर मैंने किस तरह से कट करके पीस ग्लू गन के हेल्प से लगा दिया है और फैब्रिक कलर्स है पल्क वाले, तो मैंने उससे थोड़ा ऊपर के जो छोटे छोटे फेदर आते हैं पंख आते हैं उसका थोड़ा लुक क्रिएट करने का ट्राई किया है। तो यहाँ मैं कलर्स को इस तरह से बस रैंडमली यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि वो जो हमने फेदर लगाया जहाँ ग्लू गन लगा लगा के तो वो भी कवर हो जाए और ऊपर से भी अच्छा सा लुक दे। अब ये सूख जाने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप का जो मोर पंख आता है वो भी पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर उसकी जो एजेस है वहाँ पर लगा रही हूँ तो थोड़ा कुछ नेचुरल लगे। इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देंगे। अब उसकी मैंने चोंच और उसका वीडियो बनाया था लेकिन पता नहीं क्यों वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैंने पेपर आता है उससे ही मैंने इस तरह से देखो चोंच बनाई और उसको रेड कलर से मैंने कलर कर दिया है और उस ऊपर माथे पर जो कलगी आती है उसको भी मैंने बीड की हेल्प से वायर में पिरोकर बनाया हुआ है। और इसी तरह मैंने दूसरा वाला भी पीकॉक रेडी करा है और वो पूरा पंख फैलाते हुए बनाया। पीछे की साइड मैंने कार्डबोर्ड था उसको लगाया है और कुछ इस तरह से स्टैंड टाइप बनाया ताकि हमारा पीकॉक जब हम रखें तो वो खड़ा रह पाए। तो कुछ इस तरह से मैंने ये एक ये बनाया है सॉरी और दूसरा ये बनाया है। तो हमारे दोनों के दोनों पीकॉक्स रेडी है। आप को ये पीकॉक कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।